हमने महाराष्ट्र की भी हालत देखी है कि किस तरह से ऑपरेशन कमल के जरिए से बनी हुई हुकूमतों को गिराया जाता है। ईवीएम से लेकर एमएलए एमपीज खरीदने तक के मामले पेश आ रहे हैं। सर, ईवीएम पर भी सवाल बार बार उठाए जाते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अदलिया अभी अब जो है इख्तदार पजीर हुकूमत मोदी हुकूमत के दबाव में फैसले ले रही है, तो क्या जो दलित ओबीसी पिछड़ा तबका जो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, हमने देखा कि आरएसएस बजरंग दल में दलितों के कई सारे जो है तालुका अध्यक्ष वगैरह बने हुए हैं, तो ये जो शिफ्टिंग हो रहा है तो उसको कैसे वापस लाया जाए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु, इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज बेलगाम शहर में मुसलमानों के कायद, कांग्रेस के बड़े कायद ज़मीर अहमद साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, लिहाजा हम सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर खैर मकदम इस्तकबाल। सर, सर एक अहम सवाल की तरफ मैं आपका रुख करना चाहूँगा, यहाँ पर सतीश जारकिहोली साहब भी हैं, आप इख्तदार में आने की बात करें 2023 में पलटकर कांग्रेस आने की भी बात कर रहे हैं, हमने महाराष्ट्र की भी हालत देखी है कि किस तरह से ऑपरेशन कमल के ज़रिए से बनी हुई हुकूमतों को गिराया जाता है, ईवीएम से लेकर एमएलए एमपीज खरीदने तक के मामलात पेश आ रहे हैं, तो आपके पास क्या रोड मैप है कि आप जो है हुकूमत बनाना चाहते हैं? नहीं, अभी आप देखे होंगे इस गवर्नमेंट, ये मैंडेट गवर्नमेंट नहीं है, ये कभी भी कर्नाटका का आप हिस्ट्री ले लो, महाराष्ट्र का छोड़ दो, आप महाराष्ट्र गुजरात तुम्हारा यूपी का छोड़ दो, कर्नाटका के अंदर कभी भी मैंडेट गवर्नमेंट आई नहीं। आप उसका आप ले लो 2004 के अंदर जब हमारी सम्मिश्र गवर्नमेंट थी, कोलिशन गवर्नमेंट थी, जब धर्म सिंह मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद 2 साल उनकी 20 महीना मुख्यमंत्री रह चुके थे कांग्रेस के अंदर, कोलिशन गवर्नमेंट था उस टाइम पे, कुमारस्वामी ने गवर्नमेंट फॉर्म किए बीजेपी के साथ, हाथ येडियुरप्पा के साथ हाथ जोड़ के हाथ मिला के गवर्नमेंट फॉर्म किए, गवर्नमेंट फॉर्म करके 20 महीने उनका था, 20 महीने इनका करके किए, तो 20 महीने कुमारस्वामी ने कंप्लीट किए। जब उनको देने का मौका जब आया, कुमारस्वामी नहीं दिए, वो सिंपत्ति के अंदर 2008 के अंदर बीजेपी में सिंपत्ति होते हुए मुसलमान भी बात करा, नहीं कुमारस्वामी ने गलत किया, उनको चीफ मिनिस्टर स्थान देना चाहिए था, क्यों नहीं दिए, उनको धोखा दिए करके मुसलमान भी बात करता था उस टाइम पर भी। 2008 के अंदर भी बीजेपी मैंडेट नहीं आया, मैंडेट मैजिक नंबर कितना होता है, 113 होता है, 113 नंबर नहीं आ सके तो 110 है, तो ऑपरेशन कमला करके उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की। उसके बाद क्या हुआ, 2013 का आया, 2013 के अंदर बीजेपी 40 सीट में आके रुकी, 40 सीट में आके, अभी हाल ही के अंदर 2018 के अंदर उन्होंने मैंडेट, फिर भी पब्लिक ने उनको, कर्नाटका पब्लिक ने उनको मैंडेट नहीं दिया, उनको मैजिक नंबर नहीं आया 113, उनका 104 रुक गया था। तो हमारी इस समय कोलिशन गवर्नमेंट थी, कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर हमारे एमएलए उठा के उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म करके गवर्नमेंट चला रहे। अभी गवर्नमेंट किस तरीके से चल रही है आप अच्छी तरह जाते हैं, नो डेवलपमेंट वर्क, 40% कमिश्नर, अभिवृद्धि किधर नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट वर्क किधर नहीं हो रहा है, खाली हिंदू मुसलमान करके फसाद करके ये लोग गवर्नमेंट चला। आवाम भी खामोश है ना सर, हम आवाम क्यों आवाज़ नहीं उठा रही? अभी आवाम खामोश है, मतलब खामोश है कि ये मतलब नहीं कि उनको मालूम नहीं है, खामोश है, जब जागना है उनको जागेंगे। अभी आवाम सो, आप भी शिकार हैं सर ईडी आईटी, जिस तरह से अब हर रोज़ का मामला हुआ है, सत्ता से सवाल करो तो जेल का रास्ता दिखाया जाता है, एक तरफ मोहम्मद जुबैर जैसे सवाल, सत्ता से सवाल करने पर उस पर जो है फर्जी मुकदमे दायर किए जाते हैं, इस तरह से डर खौफ का एक माहौल तैयार किया जा रहा है, कौन गोडसेवादी कौन गांधीवादी समझ में नहीं आ रहा, जीत वोट एक पार्टी को दिया जाता है लेकिन एमएलए फिर उसको खरीदा जाता है साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके, फिर आगे कैसे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस ये फिर इख्तदार में? नहीं नहीं नहीं, अभी देखो, अब कर्नाटका की बात, कर्नाटका के अंदर नहीं, पूरे स्टेट में आप ले लो, जैसा कि मिसाल अभी समाजवादी पार्टी के जो आजम खान एसपी पार्टी के जो समाजवादी पार्टी के जो मोस्ट पावरफुल नामचीन आदमी जो आजम खान के बारे में कोई जानता नहीं करके नहीं, सब लोग जानते हैं, आज उनको भी ईडी के थ्रू रेड करा के उनके जो यूनिवर्सिटी थे वो सब डमोलिश कर दिया, यानी जिधर जिधर जो भी ताकतवर है उनको क्या करें, ईडी के थ्रू, ईडी की मिशनरी यूज़ करके उनको कमज़ोर बनाया जा रहा है। अभी देखो ना, अभी हमारे लीडर राहुल गांधी को भी ईडी का नोटिस, और सोनिया गांधी को भी कल बुलाया गया था ईडी का नोटिस, किसके कौन किसके बारे में वो ईडी का नोटिस दिए, कौन से केस के अंदर ईडी का नोटिस दिए, जो नेशनल हॉल का जो केस था 10 साल पहले क्लोज हुआ केस, उन्हें रीओपन करके उन लोग का जो है खाली एक डराने, वो डेवलपमेंट वर्क करके वो वोट मांग रहे, ऐसा डरा के वो लोग सबको एक अलग हिसाब से वो लोग उनका पावर मिशनर यूज़ कर रहे हैं, मगर कर्नाटका के अंदर ऐसे नहीं होएगा। कर्नाटका की आवाम समझदार है, कर्नाटका की आवाम समझ सबसे दूसरे स्टेट्स को लेके कर्नाटका के अंदर इधर की आवाम समझदार है, मेरे को सभी सभी उम्मीद है ये बार बीजेपी को उन लोग सबक सिखाएंगे, कांग्रेस को पावर मिलाएंगे। सर, ईवीएम पर भी सवाल बार बार उठाए जाते हैं,
तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं है, है, मगर क्या कर सकते, मजबूर है अभी। अब उसको चेंज करने के लिए भी अभी ईवीएम मिलाने वाले कौन? हमारी पार्टी से ही प्रपोजल था, कांग्रेस से ही प्रपोजल था, मगर ये हालत होती करके मालूम नहीं था कि फेयर इलेक्शन होना डेमोक्रेसी। फिर मशीन के जरिए से हुकूमत बनती जा रही है, तो फिर किस हिसाब से आप सियासत और इख्तदार? मशीन के जरिए करके मैं पूरा नहीं बोलना चाहता, बोला नहीं जाता। अगर ऐसा मशीन के जरिए से आधे खरीद लिए जाते हैं, मामला तो वही है। ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत गोलमाल करते होंगे, थोड़ा बहुत, ज़्यादा भी करेंगे तो हम भी समझदार। अभी मेरे चमराज पेट के अंदर मान लो उधर बीजेपी बेस ही नहीं है, तो मशीन लेके क्या करेंगे उधर? एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं आपको, जिधर वो लोग क्या करते हैं, अभी जैसा कि फाइट रहता है अभी कांग्रेस और बीजेपी में, 2-4 हज़ार का जिधर फाइट रहता है ना, उधर कुछ लग रहा है क्या हमारे को कि मशीन ये लोग यूज़ क्या? अदलिया भी अब जो है इख्तदार पसीर हुकूमत, मोदी हुकूमत के दबाव में फैसले ले रही है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, एक हिटलर की जैसा। अभी जब नरेंद्र मोदी साहब 2014 के अंदर जब प्रधानमंत्री बने थे, देश की आवाम उनके ऊपर भरोसा की थी। वजह क्या है, एक चाय बेचने वाला रेलवे स्टेशन के अंदर, ये गरीबी के बारे में जानता है, गरीब का दुख दर्द जानता है ये, अगर ये प्रधानमंत्री होएगा देश की भलाई होएगी करके। और प्रधानमंत्री जिधर भी जाते थे, मैं भाई और बहनों मैं देश का अच्छा करूँगा, देश के अच्छे दिन लेके आऊँगा करके, एक उम्मीद में क्या कर दिए, ये गरीब के बारे में गरीबी जानता है, क्यों खुद गरीब है, गरीबों के बारे में गरीब का दर्द जानता है करके उनके ऊपर भरोसा करके प्रधानमंत्री बनाए थे। मैं आपको ही पूछना चाहता हूँ, यही अच्छे दिन है हमारे को नहीं चाहिए प्रधानमंत्री जी अच्छे दिन? हमारे को जो जूने दिन थे वही आप जूने दिन दे दो हमारे को। सर कांग्रेस में देख रहे हम कि मुसलमान ही ज़्यादा नज़र आ रहे हैं सर, तो क्या जो दलित ओबीसी पिछड़ा तबका जो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, हमने देखा कि आरएसएस बजरंग दल में दलितों के कई सारे जो है तालुका अध्यक्ष वगैरह बने हुए हैं, तो ये जो शिफ्टिंग हो रहा है तो उसको कैसे वापस लाया जाए? मुसलमान तो 70 साल से कांग्रेस को ही वोट करता है। नहीं, 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 मुसलमान के साथ साथ में दलित भाई एससी भाई सब साथ में ही है, थोड़ा परसेंटेज आप मुसलमान में भी कांग्रेस को 100% करके बोल सकते हैं। लेकिन अक्सर एक मिनट मुसलमान भी 100% कांग्रेस में करके किधर है? 10-15% वोट इधर उधर होता है, जैसे कि जनता दल है अभी, एसडीपी जैसे है, बराबर ना? अभी वही से ही थोड़ा दलित भाई और एससी एसटी के अंदर भी थोड़ा परसेंटेज, ज़्यादातर परसेंटेज कांग्रेस में ही है, ज़्यादातर परसेंटेज कांग्रेस में ही है, वो 10-15% होता ही है, साझा है, मुसलमान में भी है वो। अभी 100% मुसलमान कांग्रेस के साथ नहीं है, पन्ना ही बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, वैसे हर तबके के अंदर वो मामूली है वो। ये आने वाले दिनों में क्या रोड मैप रहेगा सर इख्तदार तक पहुँचने? हम लोग प्लान कर रहे हैं, हम लोग तमाम एक करके किसी भी हालत में हमारे को क्या, कर्नाटका के अंदर अमन सुकून होना जी, हम अमन सुकून चाहते हैं। अभी हमारे अमन सुकून के लिए पब्लिक आवाम के अंदर भी एक अवेयरनेस आया है, भाई नहीं भाई अमन सुकून से रहना तो ये कांग्रेस पार्टी में पावर में आएगी, तो करके पब्लिक के अंदर भी है। मेरे को उम्मीद है 2023 के अंदर कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। आज आपका यहाँ बेलगाम शहर आने का मकसद क्या है? नहीं, हमारे जो सिद्धरमैया जी हमारे कांग्रेस के जो माजी मुख्यमंत्री हैं उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है 3 तारीख को। आप अच्छी तरह से जानते हैं सिद्धरमैया का जो पॉलिटिकल उनका कैरियर है, 50 साल से कभी भी उनका जन्मदिन मनाया नहीं गया, एक साल भी कभी मनाया नहीं उन्होंने। इस बार क्या है, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती करके एक बार हम 75 साल का जन्मदिन हम एक बड़े पैमाने में बनाना करके तय करके दावणगिरे के अंदर बना रहे। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अभी हमारा भी एक फ़र्ज़ होता है कि जो सिद्धरामैया 2013 से लेके जो 2018 तक जो मुख्यमंत्री थे, जो हमारे को जो माइनॉरिटी को जो प्रोग्राम दिए हम लोग कभी भूल नहीं सकते, इन्हें इतिहास क्रिएट किए उन्होंने, जो इससे पहले बहुत से मुख्यमंत्री आए बहुत से मुख्यमंत्री गए। हमारा जो ग्रांट था 280 करोड़ से लेके 3,150 करोड़ किए, तो मेरा हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि ज़्यादा तादाद में हमारे मुसलमान भाई जाए, कि उनको ये साबित करके दिखा के कि मुसलमान जब चाहता है तो दिल से चाहता है, जब एक कोई भी कुछ मुसलमान के लिए करता है तो वो भूलने वाला में से नहीं करके, ज़्यादा तादाद में मुसलमान जमना करके मैं बेलगाम में, हुबली में, दावणगिरे में, चित्रदुर्ग में हो सके उतना जद्दोजहद कर रहा हूँ। तो आपके माध्यम मुखांतर मैं भी गुजारिश कर लेता हूँ, मेहरबानी करके 3 तारीख को जो सिद्धरामैया का जन्मदिन है बड़ी तादाद में हमारे मुसलमान भाई जाए। वजह उसकी, जो सिद्धरामैया ने जो हमारे को जो प्रोग्राम जो दिए, जैसा कि शादी भाग्य ले लो आप,
जो माइनॉरिटी के स्कॉलरशिप ले लो, माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉलोनी करके जो मुसलमान एरिया है जिधर 100% जिधर मुसलमान रहते वो कॉलोनी डेवलपमेंट के लिए करिए, सालाना 800 करोड़ एडिशनल ग्रांट देते हैं, यानी अंदाज़ा उसका लगा लेना चाहिए 280 करोड़ से कोई भी चीफ मिनिस्टर हो वो डबल करता है, यानी 280 का यानी डबल मतलब 560 होता है, मगर ये सीधा 10 पट ज़्यादा यानी मतलब 3,150 करोड़ दिए, उस वजह से ज़्यादा तादाद में जाएंगे तो दूसरी आवाम को भी लगता है कि भाई मुसलमान अगर कुन गुन को करेंगे तो वो मुसलमान कभी भी वो भूलता नहीं करके ये रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया।